why this association, I think Anil was talking about it and I was also discussing it some days back, कि एसोसिएशन क्यों हमारी ऐसी है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलता जुलता है. हमारी फिल्म जो है सुपर हीरो के बारे में है, ऑफकोर्स सुपर विलन के बारे में भी है. विलन जो है रावण है जो कंप्यूटर में से बाहर निकल कर आता है, और सुपर हीरो भी कंप्यूटर से ही बाहर निकल कर आता है, लेकिन वो अच्छा आदमी है जीवन. और कोई भी सुपर हीरो सुपर पावर के बिना कुछ भी नहीं होता. मैं जब ये फिल्म बनाना शुरू की थी, और अभी भी मैं कभी कभी भी लड़कों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो ये कहते हैं सुपर पावर्स कौन सी हैं उसकी. सो कोई भी सुपर हीरो सुपर पावर्स के बिना कंप्लीट नहीं होता. और जैसा अनिल ने कहा है, जैसा वेस्टर्न यूनियन मानता है कि जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिनके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, जवान बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, वो सब अपनी फैमिलीज के लिए हम आप सुपर हीरोज़ और सुपर हीरोइंस हैं, क्योंकि हम उनके लिए कमाते हैं. यही कोशिश करते हैं कि उनका जो फ्यूचर है, उनका जो आगे का सिलसिला है, चाहे पढ़ाई में है या नौकरी ढूंढने में है, या जस्ट जनरली टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन, वी ऑल आर अटेम्प्टिंग इन आवर ओन स्मॉल वेज एंड बिग वेज टू बी सुपर हीरोज टू देम. वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ एंड्स टू मीट, और मनीज और इकोनॉमिक वायबिलिटी इन आवर फैमिलीज. एंड दैट्स द स्ट्रगल ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड वी कांट डिनाई दैट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. लेकिन वही सुपर हीरो जब इस इकोनॉमिक वायबिलिटी को, इस पैसे को घर भेजना चाहते हैं, जो दूर दराज जगहों पर है, कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई लंदन में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, तो उनका गांव कहीं और है, साउथ में है, नॉर्थ में है भारत के, तो कैसे वो पैसा जल्दी भेजें. तो वो सुपर पावर जो है वो वेस्टर्न यूनियन हमारे सुपर हीरोज़ को देता है. इनका एक टैगलाइन है कि मनी इन मिनट्स, एंड आई थिंक दैट रियली इज एन अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट. We'll be right back.